हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीटी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूँ, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है। अगर आप मेरा टेस्ट पूरा दोगे तो यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसा आपका पीटी का एग्ज़ाम होना है, सिर्फ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चंस आना है उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी होगा। अच्छा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का है, लिंक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ करके मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हैं। बस थोड़ा सा लेट रिप्लाई जरूर हो सकता है कि दूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना मैं यूज नहीं करता हूँ। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो किस शासक ने किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शेर शाह, चौथा ऑप्शन करेक्ट। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बढ़िया क्वेश्चंस। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी, है ना? दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आपका रिजुपालिका नदी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राख का टीला निम्नलिखित किस नपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू, पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। कर्नाटक में मैसूर के पास है ये, कर्नाटक के मैं मैसूर के पास बेल्लोरी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरातत्व स्थल के राख का टीला मिला है, ठीक है। नहीं तो आप पूछो, तो बेसिकली जो है वो बेल्लोर आपको लिखा मिलेगा या बेल्लारी, ठीक है, उसके अंदर जो है वो संगन कल्लू स्थित है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, पहला ऑप्शन करेक्ट। इंडियन होम रूल लीग या इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई कब? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1905 में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो बनारस अधिवेशन था, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से एक किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज को अपने कब्जे में ले लिया? डलहौजी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी टिकयांग, चीन में स्थित है ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रत ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की स्थिति लोकेटेड है, अक्षांशीय स्थिति आपको बताना है भारत की। देखो, 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर, तथा अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व में, है ना। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु तक के बालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 31%, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साख पत्र यानी कि LYC दिया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा एक आयातकर्ता द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है,
कानपुर में स्थापित है, ये पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी 1978 में, लागू हुआ था रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा, क्योंकि 1976 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, है ना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति की मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका M3, है ना, क्योंकि M3 बराबर में होता है M1+ बैंकों की सावधि जमाएं, तो M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। ठीक है, फॉर्मूला होता ही है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? तो ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो शून्यकाल जो है ये भारत की देन है भैया, कहीं से नहीं लिया गया। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जीव विज्ञान नाम दिया किसने? अरस्तु ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है किससे? सौर ऊर्जा से, पहला ऑप्शन करेक्ट। गोदान किसकी रचना है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, सिंपल भी क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गोदान जो आपकी रचना है, ये किसकी रचना है? ये प्रेमचंद्र की रचना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का चांद होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए, कौन सा सही वाक्य है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? अनिल का मतलब होता है वायु और अनिल का मतलब होता है आग, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांते शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज, ये जो है कमल का पर्यायवाची है, ना कि पक्षी का, है ना। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी देखो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस 2022 के लेकर के आया हूँ, तबले से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, जल्दी बताओ? तो वनारोपण के द्वारा जो है वो भूक्षरण यानी कि मृदा अपरदन जो है वो रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा, है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माले किस देश की राजधानी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मालदीव, दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालदीव की राजधानी है माले। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शांति व विकास के लिए विश्व स्वास्थ्य विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। IRDA परियोजना को
किस प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? बिहार दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गुजरात पहला ऑप्शन करेक्ट। किस रेलवे जोन ने एक राष्ट्र एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया? दक्षिण मध्य रेलवे। लास्ट क्वेश्चंस के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।